तो गाइस आज की वीडियो में आपके लिए माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा इजीएस्ट रेड फार्म लेके आया हूँ जिसको बनाना काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ तो गाइस बात करें इस फार्म के वर्क करने की तो ये फार्म आपके बेडरॉक एडिशन, पॉकेट एडिशन, एक्सबॉक्स एडिशन, PS4, निंटेंडो स्विच सब में वर्क कर जाता है। और इस फार्म को मैंने माइनक्राफ्ट 1.20 में बनाया है तो आपके माइनक्राफ्ट 1.20 और उसके पुराने वर्जन सब में वर्क कर जाएगा। अगर आपको लिए एक मैं डेमो के लिए दिखा दूं तो गाइस ये देखो मुझे करीब 2-2.5 मिनट मैंने यहाँ पे AFK किए थे और मुझे इतना सारा आइटम मिल गया भी एक रेट से। और हाँ गाइस जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होते जाता है आपका जो रेट का जो रेट है वो यहाँ पे बढ़ते जाता है और आपको ज्यादा से ज्यादा आइटम यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं इस फार्म की डिजाइन आपको समझाऊं तो ये देखो यहाँ से मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे मेरा ट्राइडेंट किलर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जितने भी मेरे प्लेजर होते हैं वो यहाँ पे स्पॉन होते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्पॉन पॉइंट बना के रखा है तो मेरे प्लेजर बॉस वगैरह यहाँ से जाके मरते हैं। ये देखो कोई ना कोई प्लेजर बॉस वहां पे जाके मर गया है। और ऊपर जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे रेड स्टार्ट हो जाती है। सिंपली मुझे वाले लीवर को यहाँ पे ऑन कर देना और यहाँ पे रेड आना स्टार्ट हो गई है। और जैसे यहाँ पे रेड आते जाएगी और ये वाले जो प्लेजर हैं वो यहाँ पे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। बस मुझे सिंपली यहाँ पे ग्लास के पास आके खड़े हो जाना है और जितनी भी मेरी XP है और लूट है वो मुझे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो एक रेड यहाँ पे खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ पे दूसरी रेड भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये लोग गाइस यहाँ पे दूसरी रेड भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो यहाँ पे ट्राइडेंट कलर लगा है जिसकी हेल्प से यहाँ पे हमारे जो प्लेजर है वो यहाँ पे मरते रहते हैं। और मैं अपनी हाथ में अगर लूटिंग 3 की शॉर्ट पकड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आइटम यहाँ पे मिलने वाला है। अगर लूटिंग 3 की शॉर्ट नहीं पकड़ूंगा तो मुझे कम से कम यहाँ पे आइटम मिलेगा। और चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आइटम किस तरीके से कलेक्ट होता है। तो थोड़ा देर बस आप यहाँ पे वेट कर लो, यहाँ पे एक और रेड स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो गाइस यहाँ पे एक और रेड स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आइटम कलेक्ट होता है। तो अभी मैं क्रिएटिव मोड में आ चुका हूँ। तो ये देखो जैसे यहाँ पे रेडर वगैरह मरते ये देखो इनका आइटम यहाँ से नीचे जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे एक हॉपर माइनकार्ट है जिसके अंदर जाके आपका जितना भी सामान है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है। और इस हॉपर माइनकार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे कलेक्शन एरिया बनाया है जिसके अंदर आपका देखो आइटम आके कलेक्ट हो जाता है। ये देखो कितने सारे एमराल्ड थोड़ी ही देर में हमारे पास आ गए। करीब यहाँ पे 59 एमराल्ड थे, यानी 64 पहले से थे और 59 एमराल्ड थे। तो समझ लो मेरे पास यहाँ पे 25 एमराल्ड कुछ ही टाइम में यहाँ पे आ गए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इनसेन लेवल का यहाँ पे ये फार्म होने वाला है। तो गाइस यार इस फार्म को बनाने के लिए आपको जितना भी आइटम लगने वाला है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यार इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेजर आउटपोस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ गाइस ये फार्म है आपके यहाँ पे किसी भी बायोम वाली प्लेजर आउटपोस्ट में बन जाता है। लेकिन बस ध्यान रखना जो आपकी आइस वाली बायोम की प्लेजर आउटपोस्ट रहती है ना उसमें भी सेम मेथड लगेगी लेकिन उसमें आपको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तभी ये वाली प्लेजर आउटपोस्ट वर्क करेगी यहाँ पे। तो वो चीज मैं आपको वीडियो को आगे बता दूंगा इसलिए वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखना। तो गाइस यार इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे जितने भी प्लेजर है सबसे पहले या तो इनको यहाँ पे मार देना है या तो मैं आपको सबसे सही तरीका बताऊं यहाँ पे सेटिंग पे जाना और अपने गेम मोड को यहाँ पे पीसफुल में कर देना। तो जितने भी आपके प्लेजर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मर जाएंगे यानी गायब हो जाएंगे सीधे तरीके से। उसके बाद सिंपली आपको देखो ये स्टेयर रहती है ना तो स्टेयर के आपको इस साइड आना है जहां से ये देखो इस तरीके से यहाँ पे होल्ड रहता है तो इस साइड आना है। यहाँ पे एक जगह छोड़ के यानी दूसरी जगह पे आपको है ना इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे गड्ढा खोदना और यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक को रख देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड करना। तो नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने का एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा साइड में इस तरीके से यहाँ पे डर्ट को रखना और यहाँ पे आप डर्ट के ऊपर जैसे ही सनफ्लावर को रखोगे ना तो सनफ्लावर हमेशा ईस्ट तरफ को फेस करता है। तो ये देखो ईस्ट तरफ यहाँ पे फेस कर रहा है तो जिसकी लेफ्ट साइड होगी ये राइट साइड हो गई, ये जो लेफ्ट साइड है ना ये होगी आपकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड वाली होगी आपकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन। तो आपको नॉर्थ वाली डायरेक्शन पता चल गई तो सिंपली इसके ऊपर इस तरीके से एक और बिल्डिंग ब्लॉक को रखा, यहाँ पर एक ग्लास पेन को रखा और जो आपकी नॉर्थ साइड है ना यानी ये वाली साइड आपको यहाँ पर एक ग्लास पेन को लगाना है। उसके बाद आपको वेस्ट साइड में यहाँ पे ग्लास पेन को लगाना है। तो ये ईस्ट साइड हो गई तो इसके पीछे वाली आपकी वेस्ट साइड हो गई यानी एक ग्लास पेन आपका यहाँ पे इस तरीके से लगेगा। और फिर सिंपली यहाँ पर एक ग्लास पेन को लगाना तो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर नीचे वाले बिल्डिंग ब्लॉक को इस तरीके से आप तोड़ देना, फिर इसको भी यहाँ से हटा देना, इसकी भी कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, या तो फिर लगे रहने देना क्योंकि अभी इसका आगे भी एक और यूज है। तो ठीक है गाइस जितना होने के बाद सिंपली अभी आपको क्या करना है यहाँ से देखो 20 ब्लॉक आपको यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक लगाते हुए पीछे चले जाना है। तो 1, 2, 3, 20। तो ठीक है गाइस 20 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ के सारे बिल्डिंग ब्लॉक तोड़ देना और मैं तो बोलता हूँ 21 बिल्डिंग ब्लॉक चले जाना है, 20 यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे AFK खड़े रहना है और यहाँ से गेम मोड को आप थोड़ा यहाँ पे पीसफुल से हार्ड मोड में कर देना ताकि यहाँ पे प्लेजर स्पॉन होना स्टार्ट हो जाए। और ये देखो गाइस बोलने की देरी थी
और यहाँ पे देखो ग्लास पेन के अंदर ही यहाँ पे प्लेजर स्पॉन हुआ है, यानी यहाँ तक आपका फॉर्म बिल्कुल सही बना। अगर ग्लास पेन के बाहर स्पॉन हो रहा है, यानी आपने ग्लास पेन को सही से नहीं लगाया है, इस वजह से प्लेजर यहाँ पे ग्लास पेन के बाहर स्पॉन हो रहा है। तो ठीक है गाइज, मैंने वापस से गेम को यहाँ पे पीसफुल मोड में कर दिया है ताकि मैं यहाँ पे प्लेजर को हटा सकूं। तो ठीक है गाइज, जैसे आपको प्लेजर का स्पॉन पॉइंट यहाँ पे पता चल जाए, तो अभी आपको क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है। ये वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक देख रहे हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग ईस्ट साइड में एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है। तो देखो जहाँ सनफ्लावर फेस कर रहा है वो ईस्ट साइड हो गई, यहाँ पे इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया। अभी देखो गाइस, जो लेफ्ट साइड थी वो थी आपकी नॉर्थ साइड, तो राइट साइड हो गई आपकी साउथ साइड। तो आपको साउथ साइड में इस तरीके से राइट तरफ एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है, फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर एक स्टेयर को लगाया, फिर सिंपली यहाँ पर इस तरीके से एक स्टेयर को लगाया, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस किया, फिर यहाँ पर भी इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस कर देना। फिर सिंपली गाइज आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको दो ग्लास को प्लेस करना है, फिर सिंपली यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस किया, फिर यहाँ पर इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस किया, और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस कर देना। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर सिंपली गाइज इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो नीचे का एरिया है ना, इसको पूरी तरीके से क्लियर कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेयर वगैरह आ रही है। आपके साइड में हो सकता है स्टेयर वगैरह ना आए, मेरे यहाँ पे तो स्टेयर वगैरह आ रही है, इसलिए इस वाले एरिया को क्लियर कर देना। और हो सके तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ब्रिज बोर्ड वगैरह लगी है ना, यहाँ पर भी आप पूरे में इस तरीके से ब्रिज बोर्ड वगैरह लगा देना, ताकि आपको फार्म बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद जो आपको ये वाली जगह दिख रही ना, यहाँ से गड्ढे को खोदना है, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पर इस तरीके से एक टेम्पररी बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना, फिर इसके ऊपर इस तरीके से चेस्ट को लगाना, फिर ऊपर आना, और यहाँ पर है ना गाइज आपको क्राउच होकर इस तरीके से यहाँ पे एक हॉपर को लगा देना है, बिल्कुल जस्ट आपकी चेस्ट के ऊपर इस तरीके से। यहाँ पे देखो आपको गड्ढा दिख रहा होगा, हो सकता है शायद मैंने यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक लगाना भूल गया था। इस तरीके से साइड में एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना, ताकि आपकी पूरी लूट यहाँ से नीचे गिरे ना। तो कुछ इस तरीके से सिंपली यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी स्टेयर है ना, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे वाटर को प्लेस किया, और यहाँ पे इस तरीके से वाटर को प्लेस किया। जब आप वाटर को प्लेस करोगे ना, तो देखो गाइज आपका जो वाटर है, देखो इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक तक यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से बनाया है, यानी अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल सही सही स्टेप की, तो यहाँ पे पानी नहीं जाने वाला है। तो ठीक है गाइज, जितना होने के बाद सिंपली जो आपके ग्लासेस है ना, इनको आपको यहाँ पे तोड़ देना, क्योंकि इनकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सिंपली इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे, जैसे मैं बिल्डिंग ब्लॉक को लगा रहा हूँ ना, सेम आपको इसी तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस करना है, और यहाँ पर आप सामने इस तरीके से दो ग्लास को प्लेस कर देना। तो जो आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्लास को प्लेस करना, और यहाँ पे इस तरीके से एक टॉर्च को लगा देना, ताकि यहाँ पे अंदर कोई भी मॉब वगैरह स्पॉन ना हो सके। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से ग्लास के ऊपर इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक रख के आपको चारों तरफ से यहाँ पे इस तरीके से कवर कर देना है। फिर सिंपली गाइस ऊपर देखो, थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से अड़ रहे होंगे बिल्डिंग ब्लॉक, तो ऊपर के थोड़ा बहुत आप बिल्डिंग ब्लॉक इस तरीके से रिमूव कर देना, ताकि आपको फार्म बनाने में थोड़ा सा ईजी जाए यहाँ पे। और इस वाली चेस्ट को भी हटा देना है, क्योंकि इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर सिंपली गाइस जितना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से जो पीछे बिल्डिंग ब्लॉक लगना था ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को रखना है, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक पिस्टन को रखना है, नीचे वाले बिल्डिंग ब्लॉक को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद सिंपली अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक रिपीटर को लगाया, यहाँ पे इस तरीके से एक रेडस्टोन टॉर्च को लगाना, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया, इस बिल्डिंग ब्लॉक ने मेरा मतलब रेडस्टोन को लगाया, रेडस्टोन के ऊपर इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया, फिर यहाँ पर एक और रेडस्टोन को लगाया। और जैसे ही आप यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगाओगे इस रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर, देखो आपका पिस्टन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे ट्राइडेंट किलर बनना स्टार्ट हो गया है। फिर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एक लीवर को लगा देना है, और जैसे ही आप लीवर को बंद करोगे, तो आपका ट्राइडेंट किलर यहाँ पे इस तरीके से ऑफ हो जाएगा। फिर सिंपली गाइज आपको यहाँ पे इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ पे लगाया, एक को यहाँ पे लगाया, फिर आपको यहाँ पे ट्राइडेंट को फेंकना है। तो मैं यहाँ पे इम्पेलिंग पाइप का ट्राइडेंट फेंक रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इम्पेलिंग पाइप का फेंको, आप यहाँ पे नॉर्मल ट्राइडेंट को भी फेंक सकते हो, बट अगर आपको इस फार्म के रेट बढ़ाने हो और आप चाहो कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे एमरल्ड मिले, तो आप यहाँ पे इम्पेलिंग पाइप का ट्राइडेंट यूज करना, तो आपका यहाँ पे फार्म का रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। और फिर सिंपली आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, तो जितने भी यहाँ पे प्लेजर वगैरह आएंगे वो सीधा यहाँ पे मरेंगे, और यहाँ पे आपकी रेड स्टार्ट होने वाली है। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक लास्ट स्टेप और करनी है, वो है आपको जो चार बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर इस तरीके से आपको यहाँ पे लीप को लगा देना है, ताकि यहाँ पे कोई भी मॉब वगैरह स्पॉन या कोई भी प्लेजर वगैरह स्पॉन ना हो सके। तो गाइज अभी इतना होने के बाद क्या करना है, जो आपका प्लेजर आउटपोस्ट है ना, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको यहाँ के सेंटर को फाइंड करना है। तो सेंटर को फाइंड करना काफी ज्यादा सिंपल है। तो आपको जो ये वाली लेयर दिख रही है, यहाँ से देखो 1 2 3 थर्ड वाले बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ पे आना, फिर यहाँ से देखो 4 बिल्डिंग ब्लॉक काउंट करना,
वन तो हो गया, टू थ्री फोर, और जो फिफ्थ वाला बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा ये वाला, ये हो गया आपका सेंटर वाला बिल्डिंग ब्लॉक। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिंपली इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना ताकि यहाँ पे सेंटर आपका यहाँ पे इस तरीके से मार्क हो सके। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद अभी आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखो प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर इस तरीके से आना, और इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, इसकी भी अभी आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सिंपली गाइज आपको क्या करना है, इस तरीके से देखो, अभी आप देखो वाई लेवल 77 पे हो, ठीक है, मेरी एक्स पोजिशन है 71, वाई पोजिशन है 77 और जेड पोजिशन है 301। तो मुझे वाई पोजीशन देखनी, तो मेरी वाई पोजीशन है 77, अभी आपको 77 में 42 और जोड़ देना है, ठीक है, आपकी पोजीशन कुछ और भी हो सकती है, तो जो भी आपकी वाई पोजीशन है ना उसमें 42 और जोड़ दो, तो मेरे 77 है। तो गाइस देखो, अभी मैं 77 में अगर यहाँ पे 42 जोड़ता हूँ तो मेरी पोजीशन हो जाती यहाँ पे 119, यानी यहाँ से देखो ये जो सेंटर वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ से मुझे स्कैफ होल्डिंग लगाते हुए 119 कोऑर्डिनेट तक ऊपर जाना है। तो ठीक है, ओके, इस तरीके से ऊपर तरफ लगा दिए, तो देखो 119 पोजीशन पे मैं आ चुका हूँ। तो ठीक है गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे साइड में एक स्कैफ होल्डिंग को लगाया, फिर इस तरीके से सामने इस तरीके से दो स्कैफ होल्डिंग को लगाया, फिर 1 2 2 इस तरीके से लगाया, फिर 1 2 2 इस तरफ से इस तरीके से आपको लगाना है, फिर आपको इस तरफ से एक लगाना है, फिर आपको इस तरफ से एक स्कैफ होल्डिंग को और लगाना है, फिर आपको गाइस थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क वाला काम करना रहेगा, आपको इस तरीके से यहाँ पे नीचे तरफ आना है, और नीचे तरफ है ना गाइस आपको ये वाले स्कैफ होल्डिंग है ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है, और सेम आपको इस वाले स्कैफ होल्डिंग की तरफ भी आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह को लगाना होगा। तो आप थोड़ा देख दाख के संभल के यहाँ पे आके इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना है। फिर गाइज आपको देखो इस तरीके से जो ये जगह खाली है ना, आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से चार बिल्डिंग ब्लॉक को आपको यहाँ पे लगाना है। तो ठीक है, मैं फटाफट से लगा देता हूँ, 1 2 3 और ये लग गए 4। तो कुछ इस तरीके से अभी आपको एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो ठीक है गाइज, इतना होने के बाद सिंपली ये आप यहाँ से नीचे चले जाना और इस वाले प्लेटफॉर्म को, यानी इस वाली स्कैफोल्डिंग को आप तोड़ सकते हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने तो इसको तोड़ दिया, और अगर देखो गाइज आप इसको तभी तोड़ना अगर आपके पास लाइटर वगैरह नहीं है, क्योंकि जब भी आपको रेड करानी रहेगी तो आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने की स्कैफोल्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा सही रहेगा, अगर आपके पास यहाँ पे लाइटर वगैरह नहीं है तो इन स्कैफोल्डिंग को मत तोड़ना, अगर लाइटर वगैरह है तो तोड़ देना, इनके यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इस तरीके से 1 2 2 स्कैफ होल्डिंग इस तरीके से पीछे लगाना है, और सेम यहाँ से भी मैं इस तरीके से 2 स्कैफ होल्डिंग को लगा देता हूँ। फिर साइड से भी इस तरीके से देखो, मुझे इसको एक बार और एक्सटेंड करना है, इस साइड से भी इस तरीके से एक बार और एक्सटेंड कर देना है। तो बेसिकली ये एरिया मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि आप यहाँ पे इजीली एएफके वगैरह कर सको। फिर सिंपली गाइज आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे लीव वगैरह को लगा देना है ताकि आप यहाँ पे एएफके वगैरह इजीली यहाँ पे कर सको। यहाँ से भी मैं फटाफट से इस तरीके से लीव को लगा देता हूँ। तो लीव और स्कैफोल्डिंग में बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन दो बिल्डिंग ब्लॉक पे यहाँ पे कोई भी यानी मॉब वगैरह, अगर आपने रेड वगैरह सपोज स्पॉन की तो पता चला आपके यहाँ पे आपने कोई और बिल्डिंग ब्लॉक लगाए तो वहीं पे आपकी रेड स्पॉन हो जाएगी। तो लीव और स्कैप होल्डिंग ऐसे दो बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ पे प्लेजर वगैरह स्पॉन नहीं होते हैं। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से देखो यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस तरीके से एक टेम्पररी लीप को लगा के यहाँ पे एक परमानेंट लीप को लगाना, फिर इसको दो वॉल इस तरीके से एक्सटेंड कर देना। फिर आपको देखो इस तरीके से यहाँ तक आपको यहाँ पे आगे लाना है, जो स्कैप होल्डिंग है ना इसके एक बिल्डिंग ब्लॉक इस तरीके से आगे ले आना, और आपको यहाँ पे दोनों साइड से इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। फिर गाइज आपको क्या करना है, सिंपली देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है गाइज। तो आपका जो स्कैप होल्डिंग है ना, यहाँ पे इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया, फिर तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक लगा के यहाँ पे इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा के इसको यहाँ पे तोड़ देना है। फिर आपको देखो बिल्कुल गाइस यहाँ तक आपको बिल्डिंग ब्लॉक को लगाते हुए आना है, फिर यहाँ पे इस तरीके से दो लीप को लगाया, इस वाली लीप को तोड़ा, और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक और लीप को लगा देना है। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली जो आपका ये वाला स्कैप होल्डिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके से एक लीप को तोड़ के आपको इस तरीके से यहाँ पर स्कैप होल्डिंग के सामने इस तरीके से आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना है। फिर आपको गाइस इस तरीके से यहाँ पे सिंपली एक वाटर बकेट को प्लेस करना है, तो जितना भी आपका वाटर इस तरीके से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जितने भी आपकी जो यानी जो आपके प्लेजर वगैरह हैं जब वो मरेंगे तो उनकी लूट इस तरीके से बहते हुए यहाँ पे आएगी और इस तरीके से नीचे जाके आपकी गिरेगी, और यहाँ पे मैं कलेक्शन एरिया बनाऊंगा जहाँ पे आपके आपके पूरी यहाँ पे आके आपकी लूट कलेक्ट होने वाली है। यार जल्दी जल्दी में मैं बहुत कुछ बोले जा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लीप को लगाना है। फिर यहाँ पे देखो गाइस इस तरीके से आपको 4 3 बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है, 1 2 3
थ्री बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया। फिर इस तरीके से गाइज आपको यहाँ पे एक स्लैब को लगा देना है। फिर स्लैब के नीचे आपको इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है। फिर आपको यहाँ से एट बिल्डिंग ब्लॉक को आगे तरफ एक्सटेंड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ठीक गाइज 8 बिल्डिंग ब्लॉक लगने के बाद सिंपली गाइज आपको इस प्लेटफॉर्म को है ना देखो इस लीप के लेवल तक यहाँ पे ले आना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे फिल कर देता हूँ 1 2 3 3। इस तरीके से मैं यहाँ पे देखो चारों तरफ से यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे फिल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर सिंपली यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है। फिर इसके ऊपर इस तरीके से जस्ट मुझे यहाँ पे स्लैब को लगाना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से मुझे यहाँ पे तीन तीन बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ पे पूरे चारों लीफ पे इस तरीके से लगा देना है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है जहाँ पे आपके सारे के सारे प्लेजर वगैरह स्पॉन होने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है इसको देखो चारों तरफ से मुझे यहाँ पे कवर कर देना है। तो आपको ये वाली लीफ दिख रही है ना, आपको इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगाते हुए आना है। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाना। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक को लगाते हुए इस वाली लीफ पे लाके इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ठीक है गाइस, जब ये एक लेयर बनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे दो लेयर बनाना है। तो दो लेयर क्यों बनाना है, तो जो आपके रेवेजर रहते हैं ना वो यहाँ पे ब्लॉक के थ्रू यहाँ पे ग्लिच कर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे दो लेयर बनाना काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि आपके ताकि रेवेजर वगैरह यहाँ से ग्लिच करके यहाँ से बाहर ना निकल सकें। तो मैं फटाफट से यहाँ पे इसको एक लेयर और यहाँ पे इस तरीके से कवर कर देता हूँ। तो देखो गाइस, आपकी दो लेयर आपकी यहाँ पे इस तरीके से कवर हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली अभी आपको क्या करना है, यहाँ से देखो आपको 4 ब्लॉक ऊपर जाना। तो 1 2 3 4 फोर ब्लॉक ऊपर गए और आपको देखो गाइस इसको बिल्कुल आपको चारों तरफ से यहाँ पे इस वॉल को यहाँ पे 4 4 ब्लॉक आपको ऊपर कर देना है। तो मैं फटाफट से इस पूरी वॉल को यहाँ पे 4 4 ब्लॉक फटाफट से यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ से आपने वॉल बनाई थी ना वहाँ वहीं आपको सिर्फ लगाना है। पता चला आपने फार्म को यहाँ पे कवर कर दिया, तो ध्यान रखना सिर्फ जो वॉल वाले एरिया है ना सिर्फ इसको सिर्फ आपको 4 ब्लॉक ऊपर यहाँ पे कवर करना है। ऑल राइट यार गाइस, देखो मैंने यहाँ पे पूरे चारों तरफ से यहाँ पे कवर कर दिया। और हाँ गाइस, ध्यान रखना है 2 लेयर यहाँ पे थिक ही होनी चाहिए, ताकि आपका पता चला आपने 2 लेयर थिक करना भूल कर रेवेजर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसलिए 2 लेयर यहाँ पे थिक रखना। और ये देखो गाइस, यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ से होंगे। और अगर आप पीछे साइड आओगे तो यहाँ से 4 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। तो 1 2 3 4, तो पीछे साइड से इसलिए 5 बिल्डिंग ब्लॉक है क्योंकि थोड़ा यहाँ से नीचे है और ऊपर साइड से यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा था, इस वजह से यहाँ से 4 बिल्डिंग ब्लॉक हुए। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है इस तरीके से देखो, एक वाटर बकेट यहाँ पे प्लेस की, एक वाटर बकेट यहाँ पे और एक वाटर बकेट इस तरीके से बीच में प्लेस कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे आना, जो आपका स्लैब है ना इसके एक बिल्डिंग ब्लॉक जस्ट पीछे यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे साइन को प्लेस करना। तो 2 3 और इस तरीके से एक और साइन को प्लेस करना। तो 4 साइन यहाँ पे प्लेस किए हैं। फिर सिंपली गाइज आपको यहाँ पे आना और इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे जो आपकी ग्रास है ना, यानी जो आपके ग्रास ब्लॉक है इसके सामने इस तरीके से आपको जस्ट 4 साइन को प्लेस करना है। फिर आपको जो ये वाला ग्रास ब्लॉक देख रहे हैं ना, इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से आपको 4 साइन को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। फिर सिंपली गाइज इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देखो गाइज आपको यहाँ पर इस तरीके से वाटर बकेट को प्लेस करना है। एक वाटर आपने यहाँ पे प्लेस किया और सिंपली एक वाटर आपको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो जितने भी आपके मॉब वगैरह बह के आएंगे इस तरीके से यहाँ पे आएंगे और ऊपर चढ़ने के बाद सिंपली इस तरीके से यहाँ पे आके मर जाएंगे और उनकी लूट यहाँ से जाके नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद आपको देखो गाइस 1 2 3 3 ब्लास्ट ब्लॉक आपको इस तरीके से प्लेस करना है। बिल्कुल चारों तरफ से आप यहाँ पे प्लेस कर देना है। फिर आपको गाइस क्या करना है, जितने भी आपके साइन है इनके ऊपर भी जस्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे ग्लास ब्लॉक को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। फिर गाइज आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया और इसको देखो 1 2 3 लेयर आपको इस तरीके से पीछे ले जाना है और 2 ब्लॉक आपको इस तरीके से हाइट करना है। और आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से पूरा आपको यहाँ पे फिल कर देना है बिल्कुल पीछे तक, ऊपर से भी आप इस तरीके से पूरा आप यहाँ पे इसको नीचे तक यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर सिंपली जो आपके सामने यहाँ पे ग्लास लगे ना, यहाँ पे इन 2 ग्लास के ऊपर इस तरीके से 2 बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस कर देना। तो ठीक है गाइज, जितना होने के बाद सिंपली आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे पीछे आना और यहाँ से देखो पीछे आपको 1 2 3 बिल्डिंग ब्लॉक छोड़ने के बाद जो फोर्थ वाला बिल्डिंग ब्लॉक है आपको इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया। फिर इसको देखो इस तरीके से आपको यहाँ तक आपको लाना है और यहाँ से देखो चारों तरफ ले जाते हुए आपको यहाँ तक पीछे तक आपको यहाँ पे इसको ले आना है। और यहाँ पर भी देखो इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक से इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच कर देना है बिल्कुल
ठीक है, मेरा बिल्कुल मैच हो गया इस तरीके से, यानी परफेक्ट आ चुका है। फिर सिंपली जो आपका बचा हुआ एरिया है ना गाइस, आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लीप को लगा देना है ताकि यहाँ पे कोई भी रेवेजर वगैरह स्पॉन ना हो सके। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद जो आपकी ग्लास वाली साइड है ना, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे गाइस देखो आपको इस तरीके से लीप को लगाना है। तो 1 2 3 4 5 लीप यहाँ से लगाएं, इस तरीके से सेम आपको यहाँ पे भी 5 लीप को लगा देना है। फिर गाइज आपको इनके नीचे जस्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे ग्लास को प्लेस कर देना है। तो ठीक है, जैसे मैंने प्लेस किया आपको इस तरीके से सेम लीप और ग्लास को प्लेस कर देना है। तो ठीक है गाइज, इतना होने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे नीचे आना है और इस तरीके से देखो गाइज आपको यहाँ पे 3 साइन को प्लेस करना है। तो थोड़ा संभल के प्लेस करना वरना आप यहाँ पे फ्लो होने लगोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो क्राउच होके इस तरीके से 1 2 3 साइन को यहाँ पे प्लेस करना है। आई थिंक 2 ही हुए हैं, अभी 3 हुए हैं यहाँ पे। और फिर 3 साइन को इस तरीके से ऊपर प्लेस कर देना, 1 2 3। और उसके बाद गाइज आपको देखो 4 साइन आपको इस साइड से प्लेस करना है। तो 1 2 प्लेस ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत जा रही है यहाँ पे। 2 3 यार दिक्कत क्या जा रही है, प्लेस क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइस प्लेस करने के लिए सिंपली आप क्या करना, फिलहाल के लिए यहाँ पे एक टेम्पररी बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना है। फिर आपने यहाँ पे 2 साइन को प्लेस किया था, 3, और ये लास्ट साइन को प्लेस कर देना है यहाँ पे, 4। और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इस तरीके से साइड में आपको यहाँ पे एक साइन को प्लेस कर देना है। तो ये हो गए आपके 5 साइन इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, 4 सामने और इस तरीके से एक साइड में। फिर गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस तरीके से लावा को प्लेस कर देना और लावा देखो आपका यहाँ पे आके इस तरीके से रुक जाएगा। तो ये बन गया आपका एक रेवेजर किलर। तो यहाँ पे जितने भी आपके रेवेजर है वो इस तरीके से यहाँ पे आके मर जाएंगे। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आप इन वाली लीप को यहाँ पे तोड़ देना। मैंने यहाँ पे एस्ट्रा लगा दी थी। उसके बाद सिंपली गाइज आपको देखो यहाँ पे 2 लीप को तोड़ना है और इस तरीके से 4 बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना है। और सिंपली गाइज यहाँ पे आपको इस तरीके से एक ट्राइडेंट को लगाना है। यहाँ पे हम एक ट्राइडेंट किलर को बनाने वाले हैं। एक पिस्टन यहाँ पे लगाया, एक पिस्टन आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है और इस वाले पिस्टन के ऊपर आपको इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक प्लेस करके यहाँ पे लीप को प्लेस कर देना है। तो ठीक है गाइज, इतना होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया, फिर यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना और यहाँ पर इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना। और फिर सिंपली आपको यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च को यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से ऊपर तरफ आपको यहाँ पे एक रिपीटर को लगा देना है और नीचे तरफ आपको यहाँ पे एक रेडस्टोन डस्ट को लगा देना है। फिर सिंपली जो आपका रेडस्टोन टॉर्च है इसके ऊपर इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को प्लेस कर देना। तो देखो आपका इस तरीके से एक पिस्टन वाली मशीन ऑन हो जाएगी। तो यहीं पे आपका ट्राइडेंट किलर बनने वाला है। फिर सिंपली बीच में इस तरीके से एक लीवर को लगा देना ताकि आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सको। और यहाँ पर इस तरीके से ऊपर तरफ देखो गाइज आपको इस तरीके से एक ट्राइडेंट को फेंक देना है जो कि इम्पेलिंग पाइप का होना चाहिए। नॉर्मल ट्राइडेंट का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन इम्पेलिंग पाइप से जो आपका रेट है ना फार्म का वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप यहाँ पे इम्पेलिंग पाइप का ट्राइडेंट यूज़ करना। तो ठीक है गाइज, जैसे ही आप यहाँ पे इम्पेलिंग पाइप का ट्राइडेंट मारो आपको इस तरीके से यहाँ पे लीप को लगा देना है और इस तरीके से इसके ऊपर भी इस तरीके से आपको यहाँ पे लीप को लगा देना। तो ठीक है गाइज, आपका फार्म बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है, यानी पूरा नहीं बना है, यानी बस ये समझ लो आपके जो ट्राइडेंट यानी जो वो मरने वाला सिस्टम यानी पूरा बन चुका है, बस अभी आपका यहाँ पे कलेक्शन सिस्टम बनना और रह गया है। तो ठीक है गाइस, सिंपली इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ से 6 बिल्डिंग ब्लॉक ऊपर जाना। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे 2 बिल्डिंग ब्लॉक इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बेड को लगाना है और इस बेस्ट के बेड के ऊपर यानी इस तरीके से आपको इस तरीके से 2 लीप को लगा देना है। तो इस वाली पोजीशन पे आपका यहाँ पे एक ब्लेजर आने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लीप को और लगाया, फिर आपको इस तरीके से साइड में इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लीप को लगाना है, फिर इस साइड आपको इस तरीके से एक लीप को लगाना है, इस साइड लगाई और फिर एक इस साइड इस तरीके से एक लीप को लगाई, फिर आपको यहाँ पे 2-2 हाइट इस तरीके से इस लीप को यहाँ पे ऊपर कर देना है। ठीक है, और फिर सिंपली यहाँ पे इस वाली लीप को यहाँ पे तोड़ सकते हो, यानी 1-1 हाइट आपको यहाँ पे लगाना था, मैंने 2-2 हाइट लगवा दी क्योंकि 2 हाइट तो यहीं पे हो जाएगी जब आप इस वाली लीप को यहाँ पे तोड़ दोगे। तो कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम यहाँ पे बनने वाला है। फिर इन वाले बिल्डिंग ब्लॉक को आप तोड़ सकते हो, इनकी अभी आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, जितना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक ब्लेजर को लाना है। तो ब्लेजर आपको कैसे लाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से जाके आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी
एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक इजीएस्ट तरीका बता देता हूँ कि आप यहाँ पे किस तरीके से ब्लेजर को ला सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ब्लेजर लाने के लिए आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म को बना लेना है, थोड़ा पीछे तक बना लेना ताकि आपके ब्लेजर आउटपोस्ट से थोड़ा ये प्लेटफॉर्म दूर हो जाए। इस तरीके से इतना करने के बाद सिंपली अभी आपको यहाँ पे एक ब्लेजर को ऊपर ले जाना है। तो ब्लेजर ऊपर ले जाने का सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है, आप यहाँ पे एक बोट को लेना, उसके अंदर इस तरीके से आप धक्का देके यहाँ पे ब्लेजर को बिठा लेना, लेकिन इस नल्ले वाले ब्लेजर को मत ले जाना। यहाँ पे नल्ला ब्लेजर और बेबी ब्लेजर यहाँ पे नहीं चलेगा, तो नल्ले ब्लेजर और बेबी ब्लेजर को मत ले जाना। कैसी ऐसे ब्लेजर को ले जाना जो यहाँ पे जॉब कर रहा हो या बेरोजगार हो लेकिन नल्ला ना हो, यानी वो ग्रीन कोट वाला और बेबी ब्लेजर को बस मत ले जाना। और सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे इस बोट को लीड से बांधना है, और यहाँ पे आपको इस बोट को ले जाते हुए यहाँ से आपको स्कैफ होल्डिंग के जरिए यहाँ पे इस तरीके से आपको ऊपर जाना है। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से ब्लेजर को ऊपर लाने के बाद आप थोड़ा बहुत इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से एक्सटेंड कर देना ताकि आप अपने ब्लेजर को यहाँ पे लैंड वगैरह करवा सको। और फिर सिंपली गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको इस तरीके से ऊपर आना स्टार्ट करना है ताकि आपका ब्लेजर यहाँ से ऊपर आ सके। और अभी मैं यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता हूँ ताकि जो मेरा ब्लेजर है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह पे आके लैंड हो सके। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आते जाना, और ये लो आपका ब्लेजर यहाँ पे लैंड हो चुका है। तो ठीक है गाइस, जैसे तैसे करके आपको इस तरीके से ब्लेजर को यहाँ पे बोट में बिठा के यहाँ तक लाना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको इस तरीके से संभल के बोट को ड्राइव करते हुए आपको देखो आपके ब्लेजर के वहां तक ले जाना है जहाँ पे आप ब्लेजर को यहाँ पे कैद करके, यानी कैद करके नहीं, रेड के उसको यूज करने वाले, उसका सैक्रिफाइस है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक इस तरीके से बोट लाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे बोट से उतर जाना है, और इस तरीके से यहाँ से आपको पीछे चले जाना है। फिर इस वाले एरिया को गाइस आप थोड़ा बहुत यहाँ से कवर कर देना ताकि आपका ब्लेजर यहाँ से नीचे वगैरह ना जा सके, ठीक है। मैं फटाफट से इसको यहाँ पे पूरे तरीके से कवर कर देता हूँ चारों तरफ से। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कवर कर देना है कि जब आप इस बोट को तोड़ोगे ना तो आपका ब्लेजर बस यहाँ से नीचे बस ना जाए, बस इस चीज का बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है या कहीं भाग ना जाए। ओके गाइस, तो ठीक है, मैंने अपने ब्लेजर को यहाँ पे कवर कर दिया। सिंपली अभी आपको इस तरीके से इस बोट को तोड़ना है, और यहाँ पे इस तरीके से अंदर जाके इस वाले ब्लेजर को यहाँ पे धक्का देने की कोशिश करना है ताकि ये इस गड्ढे के अंदर यहाँ पे इस तरीके से चला जाए। तो इन वाले बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना और इस तरीके से यहाँ पे धक्का देना, और ये लो आपका ब्लेजर इस तरीके से इस गड्ढे के अंदर चला गया। फिर इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक को आप यहाँ पे क्लियर कर देना। तो ठीक है गाइस, इतना सब होने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक स्टोरेज सिस्टम बनाना है। तो स्टोरेज सिस्टम बनाने का मैं आपको यहाँ पे एक इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका सामान यहाँ पे कहाँ पे जाके गिरने वाला है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे अपना आइटम वगैरह यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप वगैरह कर देना। तो यहाँ से देखो आपका आइटम यहाँ पे बहते हुए आएगा, और यहाँ से आपका आपका आइटम देखना यहाँ से नीचे गिरेगा। तो आप देखना कि आपका आइटम यहाँ पे आके कहाँ पे जाके नीचे गिर रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ पे आके नीचे गिर रहा है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ देना, फिर देखना ये कहाँ पे जाके नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ से भी तोड़ दिया, फिर ये यहाँ पे आके नीचे गिर रहा है। फिर यहाँ के भी बिल्डिंग ब्लॉक आप तोड़ देना, फिर देखना ये कहाँ पे जाके गिरता है। आई थिंक एक और तोड़ना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ का पूरा ब्लेजर आउटपोस्ट ही यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे गाइस साइड में थोड़ा बहुत रिवर है, तो इस वाले एरिए को मैं यहाँ पे ग्रास डर्ट या किसी बिल्डिंग ब्लॉक से यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टोरेज एरिया बनने वाला है। तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत एरिया आप यहाँ पे प्लेन कर देना, अगर प्लेन ना हो तो। अगर वैसे रिवर वगैरह ना हो और ऐसे प्लेन ग्राउंड है फिर तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली देखो आपके बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे आके गिर रहे हैं। तो इस वाले एरिया को आप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देना। ठीक है, यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डबल चेस्ट को लगाना है साइड में। ठीक है, जहाँ पे आपके बिल्डिंग ब्लॉक गिर रहे थे ना उसके एक जस्ट ब्लॉक आगे, फिर जहाँ पे आपके बिल्डिंग ब्लॉक गिर रहे थे वहां पे आपको इस तरीके से एक हॉपर को लगा देना है। तो ठीक है गाइज, इतना होने के बाद थोड़ा बहुत एरिया आप यहाँ का क्लियर कर लेना। और यहाँ पे गाइज इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे डबल चेस्ट को लगाना है, और इस डबल चेस्ट के नीचे गाइज इस तरीके से कनेक्ट करते हुए आपको हॉपर को लगाना है। ठीक है गाइज, आप इसको कितना भी आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि इस फार्म से आपको काफी ज्यादा लूट मिलने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही आप यहाँ पे हॉपर चेस्ट को लगा लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे लगेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा आपके सामान आएंगे वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसको भी यहाँ से तोड़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत और स्टोरेज नीचे भी बनाना है यहाँ पे। और फिर गाइस सिंपली अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से डबल चेस्ट को रखना है। जो जो आपके हॉपर बने ना इनके जस्ट नीचे आपको इस तरीके से यहाँ पे डबल चेस्ट को रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सेम आपको यहाँ पे डबल चेस्ट को रखना है। और इनके पीछे भी आपको जस्ट इस तरीके से यहाँ पे
हॉपर को लगाना है। इन चेस्ट के साथ आपके हॉपर यहाँ पे कनेक्टेड होने चाहिए, इस चीज का बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इतना होने के बाद फिर आपको इन चेस्ट के ऊपर इस तरीके से डबल चेस्ट को रखना है। फिर इतना होने के बाद फिर इन चेस्ट के ऊपर आपको इस तरीके से डबल चेस्ट को रखना है। फिर एक और बार इसके ऊपर इस तरीके से डबल चेस्ट को रखना है। तो टोटल आपको यहाँ पे 4 बार इस तरीके से डबल चेस्ट को रखना है। 1 2 3 4 आपको इस बार इस तरीके से डबल चेस्ट को, आप 3 वाला भी बना सकते हो, लेकिन इस फार्म के अंदर से आपको इतना ज्यादा सामान मिलने वाला है, मेरे हिसाब से शायद ये चेस्ट भी आपको आगे जाके कम ना पड़ जाए। ओके गाइस, तो ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे 4 डबल चेस्ट को लगा लिया है। अभी मुझे अपने प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर इस तरीके से जाना है और पीछे से इस तरीके से मुझे इन डबल चेस्ट के पीछे इस तरीके से आपको क्राउच होके यहाँ पे हॉपर वगैरह को सारे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से अभी आपका स्टोरेज सिस्टम बन के रेडी हो चुका है। और हाँ गाइस, अगर आप इसको स्नो वाली बायोम में बना रहे हो ना, तो जितनी भी आपकी यहाँ पे लीव वगैरह है इसके ऊपर आपको इस तरीके से स्ट्रिंग वगैरह को लगा देना है, ताकि कोई भी यहाँ पे स्नो वगैरह स्पॉन ना हो सके। क्योंकि गाइस जब भी आप स्नो वाली बायोम में रहते हो तो इस तरीके से देखो यहाँ पे स्नो वगैरह के जमा हो जाती है, और इससे आपका फार्म यहाँ पे खराब हो जाएगा, क्योंकि स्नो के ऊपर यहाँ पे मॉब वगैरह स्पॉन हो जाते हैं। तो फिर हो सकता है जब आप रेड वगैरह चले तो आपके प्लेजर वगैरह इससे यानी यहीं पे स्पॉन ना हो जाए बाहर। इसलिए स्नो वाली बायो में बनाओ ना, इस तरीके से स्ट्रिंग वगैरह बना लेना, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर आपकी स्नो वगैरह यहाँ पे स्पॉन नहीं होती है। और हाँ गाइस, एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप स्नो वाले बायोम में इस वाले फार्म को बनाओ तो यहाँ पे जो वाटर है उसके नीचे इस तरीके से आपको यहाँ पे साइन को लगा देना है, ताकि जो आपका वाटर है वो यहाँ पे आइस में कन्वर्ट ना हो। और हाँ गाइस, अगर आप इस फार्म के अंदर यहाँ पे लंबे समय के लिए एफके कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप अपने प्लेयर के ऊपर है ना इस तरीके से यहाँ पे एक रूफ टॉप को बना देना। तो थोड़ा बहुत मैं ऊपर इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक को लगाता हूँ, और यहाँ पे है ना गाइस आपको चारों तरफ से यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को आपको यहाँ पे कवर कर देना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई भी फैंटम वगैरह स्पॉन ना हो सके। तो 1 2 3 4 लेयर रहे, और इस तरफ से भी 1 2 3 4 इस तरफ से भी, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कर देता हूँ, और इसको है ना गाइस इस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर आपको इस तरीके से यहाँ पे लीव को लगा देना है। तो लीव लगाने से क्या होगा कि कोई भी जो आपके रेड के मॉब है वो यहाँ पे ऊपर स्पॉन नहीं होंगे। अगर आप लंबे समय के लिए एफके कर रहे हो तो बनाना जरूरी है, वरना फिर ऐसा अगर आप दिन वगैरह में एफके कर रहे हो तो फिर बनाना इतना जरूरी नहीं है। और हाँ गाइस, जब भी आप इस फार्म में यहाँ पे एफके वगैरह करो ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप इस फार्म के पास यहाँ पे लाइटनिंग रॉड वगैरह लगा देना, क्योंकि आप लंबे समय के लिए एफके करते हो ना तो यहाँ पे बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है और थंडर भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके फार्म के ऊपर लाइटनिंग गिरी तो आपकी सारी की सारी लीव वगैरह जल जाएंगी और आपका फार्म यहाँ पे बिगड़ जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपके पास इलाइट्रा वगैरह नहीं है ताकि आप अपने फार्म के ऊपर जा सको, तो मैंने बताया था कि आप यहाँ पे इस तरीके से स्कैफोल्डिंग वगैरह लगा देना, ताकि आप अपने फार्म के ऊपर यहाँ पे इजिली जा सको। और हाँ गाइस, आपके फार्म से यहाँ पे 150 ब्लॉक दूर तक यहाँ पे कोई भी ब्लेज ब्लेजर बेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे 150 ब्लॉक दूर क्या है, यहाँ पे पास में ये एक ब्लेज है। तो आप सिंपली क्या करना, अगर आपके पास में कोई ब्लेज हो और आपको कोई भी रेड फार्म ना मिला हो, यहाँ के सारे ब्लेजर को आपको यहाँ पे मार देना है, और जितने भी यहाँ के बेड हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देने हैं, या तो यहाँ से तोड़ के यहाँ पे कलेक्ट कर लेना। और हाँ गाइस, ध्यान रखना, एक भी ब्लेजर या एक भी बेड यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, वरना फिर आपका जो रेड फार्म है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। और हाँ गाइस, ध्यान रखना, यहाँ के वर्क स्टेशन वगैरह सब कुछ तोड़ देना, वर्क स्टेशन भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, जैसे कि कंपोस्टर वगैरह हो गया, या तो फिर ये कोल्ड्रॉन वगैरह हो गया, इनको तोड़ देना, ये हो गया कटर हो गया, इसको यहाँ से तोड़ देना, कोई भी इनका एक भी वर्क स्टेशन यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। देखो स्मिथिंग टेबल थी, इसको तोड़ देना, यानी पूरा का पूरा आपको ब्लेज यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना है, और एक भी ब्लेजर नहीं बचना चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर गाइज आपके फार्म के पास यहाँ पे ब्लेज ब्लेजर या कोई बेड वगैरह कुछ भी आ गया ना, तो आपकी रेड यहाँ पे ऊपर स्पॉन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जमीन के नीचे स्पॉन होने लगेगी और आपका फार्म यहाँ पे खराब हो जाएगा। इसलिए सारी की सारी स्टेप को आपको यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल फॉलो करना है। तो ठीक है गाइज, इस फार्म को स्टार्ट करने के लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने गेम को है ना यहाँ पे पीसफुल मोड से यहाँ पे हार्ड मोड में कर लेना है, और सिंपली गाइज आपको यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ पे जो लीवर था ना आपके फार्म का, उसको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो ये रहा आपका ऊपर वाला फार्म, और यहाँ से एक लीवर मैंने लगाया था यहाँ पे, ये रहा है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना और सिंपली यहाँ से आपको ऊपर जाना है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग वगैरह लाइटर वगैरह कुछ हो उसका यूज करके, और सिंपली इस वाले लीवर को स्टार्ट कर देना। और हाँ गाइज, अपने हाथ में यहाँ पे एक लूटिंग 3 की सॉर्ड पकड़ लेना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रेट यहाँ पे मिल सके फार्म के। अगर आप लूटिंग 3 का सॉर्ड का यूज करोगे तो आपको दुगनी से तिगनी लूट यहाँ पे मिलने वाली है फार्म से। तो ठीक है गाइज, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम वगैरह लग सकता है रेड को स्पॉन होने में, क्योंकि अभी अभी आपने इस फार्म को यहाँ पे स्टार्ट
किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट वगैरह कर लेना। और ये लो गाइस, मुझे यहाँ पे बैड ह्यूमन इफेक्ट मिल चुका है थोड़ा देर ही वेट करते हुए। मुश्किल से यहाँ पे 20 सेकंड और हुए होंगे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है वहाँ पे जो कैप्टन वाले रेडर है उसको स्पॉन होने में। और जैसे ही देखो यहाँ पे रेड स्टार्ट होगी, तो अगर आपने लीव वगैरह सब कुछ सही से लगाई है तो सारे के सारे प्लेजर आपके यहीं पे स्पॉन होने वाले हैं। और ये देखो यहाँ पे मरना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप लूटिंग 3 के यहाँ पे शॉर्ट पकड़े रहोगे तो आपको यहाँ पे 3x लूट यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखो यहाँ पे प्लेजर आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे मरना स्टार्ट हो गए, लास्ट प्लेजर और बचा है। उसके बाद ये देखो हमारी पहली रेड यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अभी हमारी दूसरी रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ गाइज, आपको बिल्कुल इस वॉल की तरफ आके यहाँ पे इस तरीके से खड़े हो जाना है ताकि जितनी भी एक्सपी है वो आपके यहाँ पे कलेक्ट हो सके, वरना अगर आप थोड़ा सा दूर खड़े रहोगे तो आपकी एक्सपी यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगी। ये देखो जितने भी रेडर यहाँ पे मरेंगे, और आपको देखो कितनी ज्यादा मैसिव अमाउंट में एक्सपी दे रहे हैं और लूट दे रहे हैं। और रेड गाइज यहाँ पे आपकी चालू होते जाएगी खत्म होते जाएगी, चालू होते जाएगी खत्म होते जाएगी, बस आपको यहाँ पे खड़े रहना है। और ये लो गाइज, मुझे रेड विक्ट्री मिल चुकी है। तो अगर आपको फार्म को ऑफ करना है तो इस तरीके से यहाँ से ऑफ कर देना, वरना यहाँ पे बार बार नीचे रेडर वगैरह स्पॉन होते रहेंगे और आपका जो रेड फार्म है वो यहाँ पे बार बार एक्टिवेट वगैरह होता रहेगा। चलो मैं फटाफट से यहाँ से नीचे चलता हूँ। और मैं मुश्किल से यहाँ पे 2 मिनट भी एफके नहीं हुआ हूँ, थोड़ी ही देर एफके हुआ हूँ और मुझे इतनी सारी यहाँ पे एक्सपी मिल चुकी है। तो सिंपली गाइज, आपको अगर इस फार्म को ऑफ करना है तो यहाँ से आना है और इस वाले ट्राइडेंट को यहाँ से ऑफ कर देना है, ट्राइडेंट किलर को, ताकि आपका यहाँ पे बॉस मॉब वगैरह ना मरे। और जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन एरिया बनाया था ना, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे लूट मिलेगी काफी सारी, और साथ ही साथ जो आपकी मेन रेड फार्म की लूट है वो तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखो, सॉरी यहाँ पे नहीं मिली, कुछ चीजें यहाँ पे भी नहीं आई। नीचे वाले चेस्टों में जाके चेकआउट करते हैं, यहाँ पर भी नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं आई। ओके, तो यहाँ पर आके कलेक्ट हुई है, मुश्किल से 1.5 मिनट ही हुआ है और मेरी रेड खत्म हो गई और मुझे इतनी सारे आइटम यहाँ पे 1.5 मिनट के अंदर मिल गए। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानना कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर विलेजर को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो।